मस्जिद की खूबसूरती चेक करें, बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर अगेन देखिए ऊपर से चेंजिंग स्टार्ट होती है, ये चेक करें, ये मीनार से चेंज स्टार्ट होना शुरू हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कलर ग्रेड चेंज करेगा। और मेरे पास इस वक्त बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं वीडियो में कि कलर ग्रेड चेंज करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देख रहे हैं मीनार से स्टार्ट हुआ है ये और ये अब आहिस्ता 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 ये पूरा अगेन वंस अगेन। तो कुछ थीम्स हैं इनके पास जिन्होंने रखे हैं, ये थीम्स हमारी वीडियो में थर्ड टाइम आ रहा है और मीनार से। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये चादर की तरह ये पूरा ड्रॉप आउट होगा इसमें, दिस इज़ वेरी गुड। और ये इसी तरह चादर की Oh and welcome back to another vlog. So guys, right now I'm here to capture something special for you. There is one mosque which I already shared in my Buhera Cornish vlog. So I'm here that's why because ke jo raat ka ek scenario hai na yahan par wo thoda different hi hai. वो ऐसा सीन है कि जो है ना रात में उसकी कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक एनवायरनमेंट ही चेंज होता है। तो हम बुहेरा कॉर्निश आ चुके हैं रात में सिर्फ आपके लिए, आपको मॉस्क का एक बहुत ज़बरदस्त शारजा में बहुत फेमस है ये और उसकी ग्रेडिंग जो है वो कुछ डिफरेंट ही लेवल पे होती है और पार्क इतना ज़बरदस्त है शाम में इसे कि मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी। अभी हम जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी मॉस्क की कलर की जो एक एक, एक सीनरीज होती हैं, इट वॉज अमेजिंग। सो बस चलते हैं हम और देखते हैं मस्जिद की ग्रेडिंग्स। सो फर्दर मोर अपडेट्स में जो है ना मस्जिद के पास पहुँचते जाऊँगा। तो अभी चलते हैं बस कॉर्निश भी थोड़ा सा इसमें कैप्चर करते हैं हम और कॉर्निश कैप्चर करते करते हम मस्जिद भी दिखाएंगे। सो कीप इट अप। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है वो कदर की जाती है। ग्रास के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है और ये चीज़ आपने शायद दिन में देखी थी वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे दरख्त लगे हुए। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको कैप्चर करते हुए जाते हैं मस्जिद की तरफ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम और कॉर्निश देख लें आप, कॉर्निश रात में इतना खूबसूरत लगता है। दिस इज़ शारजा अल बुहेरा कॉर्निश। सो ये जो कॉर्निश, अच्छा ये है अल नूर आइलैंड जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। तो रात में तो बहुत बुरा लगता है बट फिलहाल अभी हम इसको सिर्फ ये दिखाएंगे आपको कि जो घास वगैरह हैं वो किस तरह से हमारे यहाँ पर कैप्चर हो रही हैं वो भी हम यहाँ पे मस्जिद कैप्चर करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है वहाँ मस्जिद, अगर वो आपको सामने नज़र आ रही है तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। सो फाइनली गाइस, दिस इज अल नूर मॉस्क। मैं आपको ये तीन अलग अलग जगह से कैप्चर करके दिखाऊंगा। इस वक्त इसकी जो कलर ग्रेडिंग है ना देखें बिल्कुल टोटली चेंज हो रही है, ठीक है। और मैं इसको कलर ग्रेडिंग को आपको दिखाऊंगा कि और किस किस तरह कलर आते हैं। इस वक्त उन्होंने गोल्डन और कुछ समथिंग कर लिया। तो बेसिकली जो है ना मैं आपको इतनी दूर से जो वॉक कर आया हूँ सिर्फ यही दिखाने आया हूँ कि किस तरह से कलर्स और ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। अभी आप देखिएगा आपके सामने इस कलर्स चेंज होंगे और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, ये बहुत फेमस है। ये देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहा है, एक नया डिज़ाइन इसके ऊपर आ रहा है और दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपको थ्री अलग अलग एंगल से कैप्चर करके दिखाऊँगा। राइट नाउ आई एम हियर बिल्कुल जो है ना वो कॉर्निश के बैक पे और एक अनदर इसका जो ऑप्शन है वो है फ्रंट से सामने से, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये है अल नूर मॉस्क और ये इसकी खूबसूरती है और ये शारजा की बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ ये देखना आप किस तरह से कलर ग्रेड्स चेंज हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग पूरी मस्जिद के ऊपर एक मतलब इट्स अ वेरी लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज के कैमरा जो है वो उसको वो कैप्चर नहीं कर सकता कैमरा जो हम कैप्चर कर सकते हैं आँखों से अपने देख सकते हैं, कैमरे में वो क्वालिटी नहीं है। तो फिलहाल जितना भी कैप्चर हो रहा है उतना देखते हैं, बाकी मैं इसको भी एक अच्छे से और भी मज़ीद देख रहा हूँ। ये द थर्ड वन, लुक एट दिस इज़ अमेजिंग। आप देखें किस तरह से मस्जिद का कलर पूरा चेंज हो रहा है और किस तरह से एक वो चादर वहाँ पर आ रही है और ये पूरी मस्जिद को कैप्चर करेगा। ये देखें किस तरह से कैप्चर हुआ है और इट वॉज अमेजिंग फ्लॉलेस, कांट एक्सप्लेन, ओह माई गुडनेस। ये आँखों से देखने का मंजर अलग ही है और वैसे देखने का मंजर अलग ही है कैमरे में, बट ये इट इज़ अमेजिंग यू गाइस। आई थिंक अगर आप मेरे
another one. This is another one. मैं इसको उस तरफ से भी दिखाऊंगा करीब से भी. तो ये है पूरा कैप्चर, मस्जिद का पूरा सिनेरियो ही चेंज. Hope you guys enjoying. This is amazing. Literally, I must have a DSLR, then it should be like I don't have a word how to explain it. So it is amazing guys, amazing. तो अभी मजीद चलते हैं उस तरफ और उस तरफ से भी कैप्चर करते हैं कि उस तरफ से कैसे लगता है. This is another way. और ये मस्जिद का कलर है ना, ये इस तरह से बस चेंज होते रहेंगे. और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को. बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत मस्जिद. और दिन में तो आपने देखी होगी कितनी खूबसूरत लग रही है, मगर रात में इसकी खूबसूरती ये है. It will change soon. ये इसका अनदर एंगल है कि आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हो. ये इसका फ्रंट एंगल है जो मैं इस वक्त रोड की तरफ से आके बना रहा हूँ. पहले मैंने कॉर्निश की तरफ से बनाया था, फिर मैंने सेकंड साइड से, अब मैं थर्ड साइड से बना रहा हूँ. ये इसका देखें ऊपर मीनार तक खूबसूरती चेक करें आप. बस खूबसूरती इस मस्जिद की खूबसूरती चेक करें, बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है. माशाल्लाह. और फिर अगेन देखें ऊपर से चेंजिंग स्टार्ट होती है. ये चेक करें, ये मीनार से चेंज स्टार्ट होना शुरू हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कलर ग्रेड्स चेंज करेगा. और मेरे पास इस वक्त बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं वीडियो में कि कलर ग्रेड चेंज करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. देख रहे हैं मीनार से स्टार्ट हुआ है ये, और ये अब आहिस्ता 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 ये पूरा अगेन वंस अगेन. तो कुछ थीम्स हैं इनके पास जिन्होंने रखे हैं. ये थीम्स हमारी वीडियो में थर्ड टाइम आ रहा है और मीनार से. और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये चादर की तरह ये पूरा ड्रॉप आउट होगा. दिस इज़ वेरी गुड. और ये इसी तरह चादर की तरह ही ये जाते जाते चेंज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टर रिफ्लेक्शन. देखिए ये ऊपर से दोबारा चेंज हो रहा है. ओके स्टार्ट अगेन. और ये फिर स्लो 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 डाउन आएगा नीचे. और ये इसका फ्रंट है. देखो खूबसूरती चेक करें. दिस इज गाइस आर वॉचिंग. होप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इसके नीचे ताकि पता लगे कि भाई व्लॉग्स में कितनी मेहनत हुई है और किस तरह से ये व्लॉग बना है. तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा. कलर ग्रेडिंग मैंने आपको दिखाई है और ये खुद किस तरह से चारों तरफ से मैंने इसको तीन एंगल से कैप्चर कर लिया है. पहले के एंगल से मैंने वहाँ से कैप्चर किया था, थर्ड सेकेंड वन और ये थर्ड वन अगेन. मैं अब यहाँ से कैप्चर कर रहा हूँ इसको. और अगेन जो है वो इसका अगेन वाल पेपर वही वाला आ रहा है, ये देखें. और ये पूरा वॉल पेपर विद इन दिस इज़ अमेजिंग. तो क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद के बारे में, इस खूबसूरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनकी इनके डिज़ाइन के बारे में, इनके काम के बारे में. ये जिसने भी बनाया यार बहुत बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल. दिन में भी इतनी खूबसूरत लगती है जितनी रात में. इसके अंदर ये इन्होंने चार चांद लगा दिए, मगर दिन में भी इतनी खूबसूरत लगती है.
कितनी ही खूबसूरत लगती है दिन में। सो राइट नाउ जैसा कि आपने देख लिया कि मेरे पीछे मस्जिद का जो कलर है वो किस तरीके से ग्रेडिंग्स चेंज हो रही थी, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये मस्जिद की कलर ग्रेडिंग्स और ये सारी चीज़ें दिखा सकूं। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आया हो, आपको लगे कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और स्पेशली ये मस्जिद दिखाने के लिए मैं आप लोगों को अपने ऑडियंस के लिए स्पेशली आया हूँ, तो अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये बहुत ही अच्छा काम किया है मैंने, तो इसको सब्सक्राइब करना तो एक कॉमन सी चीज़ है, बेल आइकन भी तो हम रोज़ ही बोलते हैं, बट इसको शेयर करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग देखेंगे इस तरीके से की भी इन्वेंशंस हो सकती हैं और ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती इस तरह के इन्वेंशंस, या हमारे पास इतने वसाइल क्यों नहीं है कि हम क्यों इस तरह की चीज़ों पर काम नहीं कर सकते, या हम अपनी मस्जिदों पर जो इतना जो भी चैरिटी आ रही होती है, जो भी चंदा जिसे हम कहते हैं, वो सब कुछ करने के बाद हम इस तरह की क्यों एक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते कि हम ऐसे कॉर्निश, जैसे कि यहाँ पर कॉर्निश बना हुआ है, फिर ये मस्जिद के अंदर की एक्टिविटी की गई है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए ताकि लोग, अभी मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊँ तो इतने ज़्यादा लोग यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है सिर्फ किस लिए आए कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। कॉर्निश के ऊपर एक वॉकिंग की जगह है बहुत अच्छी सी, लोग सेहतमंद है, डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा, मतलब एक यानी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। इस वक्त यहाँ पर अराउंड कुछ 11:30 हो रहे हैं, मगर रश बहुत ज़्यादा है लोगों का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वॉट कि मैं यहाँ पर ईजिली अपना आईफोन लेकर अपनी वीडियो तो चीज़ें बना रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म का कोई डर नहीं है कुछ भी, तो दिस काइंड ऑफ द गुड थिंग्स इज UAE इज़ बेस्ट। और राइट नाउ मैं शारजा, से मैं बताऊँ मेरी सीरीज़ शारजा की चल रही है, तो इस सीरीज़ के लिए मैंने कोशिश की थी कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकूँ, अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए, आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द माई बेस्ट वीडियो जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए कैप्चर किया, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे कलर ग्रेडिंग्स और चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो कीप वॉचिंग। इसके बाद नेक्स्ट जैसे अच्छा व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत अच्छे से कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। मैं इंडिविजुअली तो किसी को सबको थैंक्स कहता हूँ कमेंट्स के अंदर, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में इंशाल्लाह, दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, मोहम्मद हसनैन, रोड वेंजर्स ऑफ पाकिस्तान, और अल्लाह हाफिज़।